गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई होप क्लास फाइव में पढ़ेंगे मैथ्स में फ्रैक्शन चैप्टर बस और उसके क्या है चैप्टर सेवन है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फ्रैक्शंस। Numerators and allied numerators. ठीक है, allied का मतलब होगा दो ऊपर में अलग होगा नीचे अलग होगा, है ना। क्योंकि जैसे 5/6 है और आपका ये फ्रैक्शन है ऊपर डिफरेंट है नीचे भी डिफरेंट है, दोनों सेम सेम नहीं है, या नीचे सेम नहीं है ऊपर भी सेम नहीं है, दोनों साइड में ऊपर और नीचे क्या है डिफरेंट है ना। तो अनलाइक डिनोमिनेटर अनलाइक डिनोमिनेटर का जो है कौन सा बड़ा है नंबर कौन छोटा है कंपेयर करेगा, है ना। तुलना करना है कौन बड़ा है ये बड़ा है ये बड़ा है कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। सबसे पहले हम जो है लोग शुरू करते हैं एलसीएम लेके तीनों का रोल होता है ना, एलसीएम हो उसको कंप्लीट करने के सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर है ना, एलसीएम ऑफ 6 and 9। ठीक है, 6 और 9 का एलसीएम हो गए लेते हैं या फिर ले सकते हैं 6 9 का फीचर जाएगा एनी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 18 आ गया। ठीक है, आपका जैसे वो छोटा कितना लगे हैं ठीक है। और जो है एलसीएम को जो है इस नंबर से डिनोमिनेटर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखते हैं हम नाउ 5/6 इज इक्वल टू इस डिनोमिनेटर इसका जो है 5/6 का स्क्वेयरिंग से डिवाइड करेंगे कितना कटेगा 3 का स्क्वेयर कटेगा, है ना। इस क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में क्या करेगा यहाँ पे इस 3 से 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 3। ये जो ग्रेट फ्रैक्शन था आपका ग्रेट फ्रैक्शन में आप लेंगे इसको क्या हो जाएगा 15/18। ठीक है, वैसे ही हम लोग फ्लोटिंग एरे के लिए करेंगे फ्लोटिंग एरे इसका तो हो जाएगा ऊपर 9 को 18 से डिवाइड करेंगे इससे एलसीएम से, है ना। तो आपका आ जाएगा 9 2 18 2 से कट जाएगा इस 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 बोले 9 मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा 1/18। हम देखेंगे अब दोनों में तो इसका दोनों का जो है अब यह भी दोनों में बड़ा कौन है 15/1 जो है 15 जो है बड़ा होगा 15 इज ग्रेटर देन जो मीटर का देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है और है सेम है यहाँ पे सेम तो इसे डिनोमिनेटर आएगा तो जो मीटर जो है देखेंगे बड़ा एक छोटा है 15 जो है बड़ा है एक से इसलिए आपका
फैक्ट्री वाला कौन सा है, 5/6 है ना, 5/6 इज ग्रेटर देन 4/9 इस तरह से हम प्राइम, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड है, उससे पहले फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन में कौन पड़ा है कौन छोटा है, ये एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम को न्यूमेरेटर से डिवाइड करके और फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका भी इसके साथ में वैसे ही सिस्टम हो प्रोसेस होगा और इस तरह से हम प्रोसेस ऑपरेटर को ऐड कर देते हैं। न्यूमेरेटर पड़ा है छोटा फंक्शन दोनों का, तो जो बड़ा होगा फ्रैक्शन बड़ा होगा, छोटा होगा छोटा होगा, ठीक है। सेकंड जो है आपका क्या है, एलआईसी डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे शो करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करने के लिए जो है छोटा से बड़ा कितना पढ़ने के लिए तो सही तरीके का इस्तेमाल करेंगे। इसे देखते हैं, सेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ करना। तो इसके फैक्शन को हम लोग देखेंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सबसे पहले ध्यान में पड़ेगा जो फ्रैक्शन है, उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जाने के बाद फिर उसको हम देखेंगे कौन बड़ा है, न्यूमरेटर से चेक करेंगे, न्यूमरेटर बड़ा होगा जिसका वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, छोटे छोटा हो छोटा हो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका है 5/8 3/4 2/10 ये फ्रैक्शन है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रेज करते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब हो गया आपको है ना, तो इसके हम कुछ पहले देखते हैं सबका, इसका 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 और इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम देखिए, एलसीएम हो 8/4 12/3 है ना, देखिए एलसीएम 8/4 12/3 का एलसीएम यहाँ निकालेंगे, उसे से निकालेंगे, ठीक है। इससे हो गया आपका, ठीक है। 24 इसका आ गया आपका, ठीक है। इससे कितना आ गया आपका 54, ठीक है। सबका इससे निकालेंगे, डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। नाउ 5/8 इसको हो जाएगा 8/24 से डिवाइड करेंगे, है ना, 8/24 हो जाएगा, ये नंबर को इस नंबर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 8/24 3 टाइम्स में कटेगा, 5/3 तो कि 24 divided by 8 is equal to 3 over 3 है ना इस फैक्शन के लिए तो इसका हो गया और दूसरा आपका है 3/4 को हमने डिवाइड करेंगे 4 को 24 से डिवाइड करेंगे और इसको क्या हो जाएगा 6 24 divided by 4 4
4 से 24 में डिवाइड करके कितना आ गया 600 और 6 से 24 तो 3 गुणे 6 हो जाएगा फिर और 4 गुणे 6 हो जाएगा इतनी बड़े कितना आ गया 24 ठीक है सिक्स हो गया आपका और फिर नेक्स्ट Thank you.
नोट कर लीजिए, बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। सोसाइटी में लिखकर बनाएंगे और फिर आपकी क्लास में देखा जाएगा, इसे भी मुझे बताएंगे, ठीक है।